हेलो टीम, आज मैं आपको ये लेकर आया हूँ होम सर्विस बिजनेस लिस्टिंग हैंडी मैन बुकिंग एप्लीकेशन। ओके, तो इसका जो भी सर्विस का रहेगा वो एप्लीकेशन के थ्रू पूरा रन होता है, जिसमें कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को लॉग इन रजिस्टर करेंगे एंड सर्विस को ऑन बोर्ड करेंगे एंड वहाँ से यूजर जो रहेगा सर्विस को बुक करेगा एंड पूरे प्रोसेस को रन करेंगे। ओके, तो ये डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर टोटल बुकिंग, अर्निंग, प्रोवाइडर, कस्टमर का डेटा आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, क्योंकि मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ मेन एडमिन दिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एडमिन में आप पूरा डेटा चेक कर सकते हो। आने का आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, सर्विस प्रोवाइडर का डेटा देख सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट में प्रोवाइडर का इमेज, नेम, एड्रेस एंड एक्शन के थ्रू आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ऑप्शन आ जाएगा। डैशबोर्ड के बाद नोटिफिकेशन का डेटा आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, फेवरेट डेटा आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, कुछ फेवरेट आपको ऐड भी करना है, जैसे सर्विसेज आपने ऐड किया किसका है, यूजर सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देन ऐड, तो हम फेवरेट में सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। प्रोवाइडर के टाइप हो सकता है फ्रीलांस है, कंपनी है, और भी कुछ है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऑप्शन मिल जाएंगे, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ऐड डिलीट कर सकते हैं। प्रोवाइडर का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पे फीचर्स हैं फ्रीलांस है, प्रोवाइडर के टाइप्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप सिंपली इसको इधर करोगे तो बाकी का डेटा ओपन हो जाए, अवेलेबल है, एक्सेप्ट है, अपडेट होगा, ऐड डिलीट है, वो चीज़ें। प्रोवाइडर की रिक्वेस्ट आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, गैलरी है, गैलरी आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, अवार्ड्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस का ये देखिए, किसी यूजर ने एक्सपीरियंस डाला हुआ है वो अपना यहाँ पर डाल सकता है। अवेलेबिलिटी हार्स हैं, वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो कि टाइमिंग क्या हो सकती है, तो जब आपका यूजर सर्विस प्रोवाइडर है वो सिलेक्ट करेगा ना, तो उसमें से किसी भी टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा। इसका एड्रेस आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, अगर यूजर ने जो एड्रेस डाला है, यूजर आईडी आपको मिल जाएगी, उसने कब अपडेट किया है वो डेटा देख सकते हो, वो आ जाएगा। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ कैटेगरी बना सकते हो, सर्विसेज जैसे कार सर्विस, मेडिकल सर्विस, इस तरीके का बना सकते हो आप। इसमें फीचर में आपको रखना है ऑर्डर वाइज कर सकते हो, पेरेंट कैटेगरी ऐड करनी है, पेरेंट कैटेगरी ऐड कीजिए, यहाँ ऐड हो जाएगा। सर्विस की लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, कंपनी सर्विस की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे ऐड करनी है क्रिएट सर्विस करके, यहाँ से सिंपली सर्विस ऐड भी हो जाएगी। कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, यूनिट हम हार में रहेगा या फिक्स रहेगा, कि पूरी सर्विस हम फ्री करने का एक चार्ज लेंगे या हार्ली बेस रहेगा, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर कस्टम क्वांटिटी, यूनिट, ड्यूरेशन, प्रोवाइडर हम यहाँ पर डालेंगे, देन ऐड, यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर पाओगे, सर्विस रिव्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हो, बुकिंग है तो यहाँ जितनी भी बुकिंग है बुकिंग का डेटा आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, यहाँ पे जितनी भी बुकिंग हुई होगी आपको मिल जाएगा, लास्ट में एक्शन भी ले सकते हो, बुकिंग का स्टेटस आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, जैसे रिसीव, एक्सेप्ट, ऑन द वे, रेडी, इन प्रोग्रेस, डन, फेल, और अगर आपको कोई इसको एडिट करना है इसमें से किसी को भी एडिट कर सकते हो। या कूपन आ जाएगा, क्रिएट कूपन कर सकते हो, कूपन ऐड हो जाएगा। एफएक्यू है तो एफएक्यू की कैटेगरी एंड एफएक्यू आप डाल सकते हो। पेमेंट है तो पेमेंट की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, पेमेंट मेथड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हम जो यूज कर रहे हैं रेजरपे, पेपाल, पेस्टैक, फ्लटर वेब और पे मैंगो करके है, ये सारे यूज करना है आपको, जो भी यूज करना है आपको केवल उसकी की डालनी है, उसके बाद पूरा वर्किंग रहेगा। कोई पेमेंट मेथड आपको ऐड करना है, यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, वैसे आप रख सकते हो। पेमेंट का स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे, रिफंड, पेंडिंग, पेड, इस तरीके से आप रख सकते हो। प्रोवाइडर पे आउट का डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी रहेगा। वॉलेट है तो वॉलेट की लिस्ट, ट्रांजेक्शन डेटा आपको चेक करना है, अर्निंग आप यहाँ पर देख पाओगे, प्रोवाइडर के नेम, टोटल कितनी बुकिंग है, इस तरीके से आप पूरा अर्निंग चेक कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके पे आउट की रिक्वेस्ट है, पे आउट आप यहाँ पे उस अमाउंट को कर सकते हो पूरा कमीशन सेटअप करने के बाद। ओके, अर्निंग के बाद यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी को मैनेज करना है। ओके, और मैं दिखा देता हूँ मोबाइल ऐप सेटिंग। मोबाइल ऐप सेटिंग हम ग्लोबल सेटिंग्स में आप इसको गूगल मैप की इसमें लग जाएगा, तो मैप का पूरा वर्किंग रहेगा। डिफॉल्ट यूनिट कित किलोमीटर में रखना है आपको, मिलीमीटर में रखना है बोल सकते हैं। लोकलाइजेशन है, वर्जन्स आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। इसका थीम्स को मैनेज करना है, कलर चेंजेस करने हैं, कस्टम पेजेस को मैनेज करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। स्लाइडर्स आपको डालने हैं। ग्लोबल सेटिंग्स मैं दिखा देता हूँ, ये लोकलाइजेशन, सोशल ऑथराइजेशन, और यहाँ पे रोल्स है, तो यहाँ पे आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हो। जैसे परमिशंस आ गए आपके, रोल की लिस्ट आ जाएगी, प्रोवाइडर, कस्टमर, एडमिन, और आपको जैसे कोई न्यू यूजर और न्यू रोल बनाना है तो सिंपली यहाँ से हम रोल बना सकते हो, परमिशन लिस्ट बना सकते हो, उसको परमिशन दे सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। क्रिएट यूजर करना है, यूजर बनाइए, उसको रोल देने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से रोल दे सकते हो, उसको जो भी रोल दोगे उसको वो परमिशन मिल जाएगा।
ग्लोबल सेटिंग्स है, तो ग्लोबल सेटिंग में आपको कुछ चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। लोकलाइजेशन में आप यहाँ पे एरिया वाइज डाल सकते हो, डेट फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन लैंग्वेज है वो आप डाल सकते हो, टाइम जोन यहाँ पे सेटिंग कर पाओगे, सोशल ऑथेंटिकेशन है, और पेमेंट है तो पेपल में डिफॉल्ट टैक्स, डिफॉल्ट करेंसी वो आप मैनेज कर पाओगे, करेंसीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, मल्टी करेंसी को सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, टैक्सेस आप यहाँ पर डाल पाओगे, ऐड भी कर सकते हो, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, मेल के लिए हम SMTP यूज कर रहे हैं, मेल गन यूज किया हुआ है, तो आपको जो भी यूज करना है आप की डालिए उसमें पूरा वर्किंग रहेगा, ट्रांसलेशन आप डाल सकते हो इसमें भी पूरा आ जाता है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हो। ओके, ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया, ये सब आ जाएगा उसी में जिसके थ्रू आप पूरा मैनेज कर पाएंगे, तो इसमें बताने के लिए इतना ही है, बाकी का जो रहता है वो एप्लीकेशन में है, तो कुछ रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मैं आपको फिर एप्लीकेशन देख लेते हैं।